आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 100 खबरों के बाद एक बड़ी खबर, कल आगरा में हुए बस को अगवा करने की वारदात में शामिल बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश का नाम प्रदीप बताया जा रहा है और चेकिंग के दौरान ही उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कल बस को अगवा करने के मामले में प्रदीप का नाम भी सामने आया था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। कल बाईपास पर बदमाशों ने बस को अगवा कर लिया था। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी इन बदमाशों के बारे में मिल पा रही है, किन किन वारदातों में लिप्त थे ये? जी देखिए, जो प्रदीप गुप्ता है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और सीसीटीवी जो कैमरा उससे इसका सुराग मिला था, जिसके बाद इसकी तलाश की जा रही थी। और आज सुबह आगरा के फतेहाबाद में इसको जीरो इन किया गया, अपने साथी के साथ जा रहा था। उस दौरान जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग हुई है, जिसमें प्रदीप गुप्ता घायल है। लेकिन इसका एक और सहयोगी जो पुलिस बता रही है कि हाईजेकिंग में शामिल था, बस हाईजेकिंग में, वो मौके से फरार हो गया। कल की पूरी वारदात है, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया था बस की हाईजेकिंग से। लेकिन आखिरकार इटावा में बस को बरामद कर लिया गया था, लेकिन बदमाशों की तलाश की जा रही थी। उसी क्रम में जो ये मास्टरमाइंड है प्रदीप गुप्ता, उसके साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की आगरा में, और जिसके बाद ये घायल है। फिलहाल उसको पकड़ लिया गया है, और दूसरा जो शख्स है जो बस हाईजेकिंग में शामिल था उसकी तलाश की जा रही है। अरविंद, नजरा बना रखिए। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। कल यात्रियों से भरी बस को अगवा किया था, जिसके बाद आज बदमाशों को पकड़ लिया गया है। प्रदीप गुप्ता नाम बताया जा रहा है और फिलहाल उससे अभी पूछताछ की जा रही है।